अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं एक छोटी सी चीज़ के ऊपर आज आपको के साथ कुछ शेयर करूँगा। मेजॉरिटी जो हमारे लोग हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी ख़ास तौर पे, और दुनिया में एक्चुअली इन जनरल जितने भी लोग होते हैं वो इमोशनल होते हैं। इमोशनल होने का क्या मतलब है? इमोशनल होने का मतलब ये है कि वो जिस वक़्त उनके इमोशंस एक्टिवेट होते हैं तो वो उस इमोशनड स्टेट के अंदर कोई ना कोई डिसीजन ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको किसी की बात बुरी लगती है तो आपको गुस्सा आता है, तो आप उस गुस्से की हालत के अंदर कोई एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है तो इतनी अच्छी लगती है कि आप उस अच्छी की हालत में एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। आपको भूख लगती है तो आप भूख की हालत के अंदर बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। आपको बेसिक ये थ्री इमोशंस हैं, चौथे शहवत होती है, बट अभी हम इन तीन पे बात कर लेते हैं। तो ये जो इमोशनल स्टेट होती है जिसके अंदर अब हम हालत में, जब इन तीनों इमोशन स्टेट्स में हम होते हैं या चारों इमोशनल स्टेट में होते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो ख़ास किस्म का एक केमिकल रिलीज़ करता है, और उस केमिकल के रिलीज़ होने की वजह से, जिस तरह से शराब पीने के बाद से एक हमारा दिमाग या हमारे जिस्म में एक केमिकल एंटर हो जाता है, उसी या किसी और ड्रग को लेने से हमारा दिमाग में या हमारे जिस्म में केमिकल रिलीज़ हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा जो दिमाग है वो कॉन्स्टेंटली किसी न किसी वजह से, इमोशनल हालत की वजह से ख़ास तौर पे, वो केमिकल रिलीज़ करता है, और उस केमिकल रिलीज़ होने की वजह से हमारा जो डिसीजन मेकिंग का पावर है वो धुंधला हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं थका हुआ हूँ, जैसे मैं इस वक्त शायद थका हुआ हूँ, तो मेरा जो दिमाग की हालत है वो एक किस्म का एक कोई ना कोई केमिकल रिलीज़ करेगा, जो कि फॉर एग्जांपल स्लीपिंग का केमिकल रिलीज़ करेगा। अगर सो जाओ, सोने का टाइम हो गया है और मैं नहीं सोऊंगा तो मेरा जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ वो सही नहीं होगा। उस हालत में जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो वो डिसीजन सही नहीं होता है। तो मैं आप सबको एक चीज़ बावर कर याद दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे स्टेट ऑफ इमोशंस हैं, फॉर एग्जांपल हमें हंसी आ रही है तो हम एक घंटे से हंस नहीं सकते। हमको रोना आ रहा है तो हम एक घंटे तक रो नहीं सकते, थोड़ी देर के बाद रोना बंद कर देंगे। तो जबकि होता ही है कि अब कोई रोने बैठ जाता है तो हम कहते हैं ओ चुप हो जाओ, जबकि मेरे ख़्याल में सही स्टेट ये है कि वो एक आदमी रो रहा है तो उसको रोने दें, उसकी भड़ास निकाल दें, हंस रहा है तो उसको हंसने दें, थोड़ी देर में खुद ही थक के हंसना बंद कर देगा। और लेकिन इमोशनल हालत में डिसीजन, ऐसी डिसीजन ना लें कोई भी जिससे आप लॉन्ग टर्म चीज़ में फंस जाएँ। तो बस ये बात मुझे शेयर करनी थी कि आप मेडिटेशन के ज़रिए अपने इमोशंस को ये फील कराते हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पे मेडिटेशन करते हैं, आधे घंटे की मेडिटेशन करते हैं और आप बैठ जाते हैं, तो आधे घंटे तक अगर आप सुकून में एक ही तरीके से बैठे हुए हैं तो आपका दिमाग जो है वो कॉन्स्टेंटली गुटर बुटर कर रहा होगा कि भाई ये करो, और आपने करना क्या है, आपने खामोशी से बैठना है कि ओके अगली थॉट आएगी। तो हमारे पास, हमारे 99% लोगों के पास, बल्कि 99.9% लोगों के पास दिमाग के अंदर जो ख्यालात आ रहे हैं या ख्वाहिशात आ रही हैं उनको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है, किसी भी इंसान के पास कोई ताकत नहीं है कि हम उन ख्यालात को रोक सकें। लेकिन हमारे पास ये ताकत ज़रूर होती है कुछ हद तक कि हम उन ख्यालात पर एक्ट ना करें। तो हमें एक्ट नहीं करना है, इमोशनली एक्ट नहीं करना है, और अपने दिमाग को, अपने एक्शंस को कंट्रोल करना है
कि अगर कोई आपके जहन में ख्याल आ रहा है अच्छा या बुरा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो पहले आपने अपने दिमाग को इतना ट्रेन करना है कि वो आपको एक्शंस को रोक दे। मिसाल के तौर पे आज मैंने सुबह फ़ैसला किया कि मैं सब्ज़ी खाऊंगा सिर्फ, और फ्रूट खाऊंगा कच्ची अगले 6 हफ्ते तक। फिर मैंने दोपहर को खाया सिर्फ यही चीज़ खाई, तो मुझे शाम तक भूख लगने लगी, और शाम को मेरे साथ जो कोई साथी थे खाने पे, मैंने तो अपने लिए ग्रिल्ड फूड ऑर्डर कर दिया, लेकिन उन्होंने नहारी मंगा ली और रोटी भी बहुत गर्म गर्म और गर्म नहारी आ गई। तो मैं कोशिश के बावजूद, मैं ताकतवर इंसान नहीं हूँ, तो उस नहारी पे मैंने भी खाना शुरू कर दिया। सो माय इमोशनल स्टेट और मेरी हंगर स्टेट ने मुझे फोर्स किया कि मैं ये नहारी खा लूँ, जो कि मेरी सेहत के लिए मुझे मालूम है कि सही नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर इमोशनल हैं, इमोशनल हो रहे हैं किसी कारोबार के बारे में, किसी रिश्ते के बारे में, किसी डिसीजन के बारे में, तो मैंने अपने एक दोस्त से सीखा था कि वो कहता था कि मुझे कभी कोई कस्टमर गुस्से वाली ईमेल कर देता है तो मैं उठ के वहाँ से उठ जाता हूँ, अपने कंप्यूटर के सामने से 15-20 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और जाता हूँ और कोई ड्रिंक करता हूँ और फिर वापस आता हूँ, फिर जवाब देता हूँ, क्योंकि उस वक़्त हमारा इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और आप कितने ही अच्छे पीर साहब क्यों ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आप रिएक्ट ना करें। तो बेहतर ये है कि आप मेडिटेशन करें, और ऐसे टाइम पे जब आपको कोई बहुत महसूस हो रहा हो कि आप ये इमोशनल एक्शन ले रहे हैं, तो इमोशनल एक्शन ना लें और ब्रेक ले लें, और उस ब्रेक लेने के बाद आप एक्शन लें, वरना चांसेस यही हैं कि आप बाद में रिग्रेट कर देंगे। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में ये करने की। मैं अपने वीडियो में यही चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि आप भी कोशिश करें। हाईली मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप विपाशना करने जाएं, DHAMMA.org, dhamma.org, 10 दिन का साइलेंस का कोर्स होता है, मेरी वीडियो भी है इसके ऊपर कि क्या होती है, आप देख सकते हैं। और इमोशनल एक्ट ना करें, क्योंकि आप बाद में रिग्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।